न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एकनाथ शिंदे के स्वागत के लिए सजाया गया ठाणे शहर, आनंदीघे के शक्ति स्थल का करेंगे दौरा। नागपुर में भाजपा द्वारा देवेंद्र फडणवीस के स्वागत की तैयारी शुरू, शहर में सभी जगहों पर लगाए गए बैनर। और नागपुर में बारिश के चलते रास्तों की हालत गंभीर, 15 साल से रास्ते की समस्या के चलते लोग परेशान। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के स्वागत के लिए ठाणे शहर को सजाया गया। अधिवेशन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे पहुंचेंगे। ठाणे के आनंद नगर चेकनाका में एकनाथ शिंदे की अगवानी करने के बाद ठाणे के दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दिघे की समाधि का दौरा करेंगे। शक्ति स्थल पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दिग्रस तहसील के तुपटाकली के किसान तुकाराम खोड़े और सीताराम घनाटे के बीच खेती के विवाद के चलते सीताराम घनाटे ने बाहर से पुरुष बुलाकर प्रियंका रामेश्वर खोड़े को जान से मारने की कोशिश की। इस वजह से ग्रामीणों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। तुपटाकली के किसान तुकाराम खोड़े एक बंजर खेत में खेती करते हैं। 13 जून को उन्होंने सोयाबीन लगाई। 3 जुलाई को प्रियंका रामेश्वर खोड़े, उनके पति रामेश्वर और जेठानी खेत में घास काटने गए। सीताराम घनाटे और 10 से 12 पुरुष और महिलाएं दूसरे गांव से ट्रैक्टर लाकर बोए गए खेत में दोबारा बुआई करने गए तो उसे रोक दिया गया। इस वजह से घनाटे निवासी अनावेदक ने प्रियंका के सिर में आरी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करें क्योंकि गांव के बाहर से एक व्यक्ति गांव में आया और मारपीट की। ऐसी मांग को लेकर शिवसैनिकों और तुपटाकली के ग्रामीणों ने थानेदार पांडुरंग फड़े और तहसीलदार सुधाकर राठौड़ को बयान दिया है। इस मौके पर सरपंच राहुल सोरते, बालाजी ठाकरे, विजय जवके, पवन पाटिल, विनोद काळे, प्रज्वल वानखेड़े, संजय ठाकरे, समीर शेख, विजय कुम्भरे, किशोर शिकारे, अनंत कोठेकर और इतर नागरिक उपस्थित थे। आज रोजी आम्ही सर्व तुपटाकलीकर तहसीलदार साहेबांच्या भेटीला याच्यासाठी आलो की टिकाराम खोडे आणि सीतारामजी घनाटे या परिवारामध्ये शेतीच्या वादावरून न्यायालयीन प्रकरण चालू आहे। परंतु याच्या न्यायालयीन प्रकरणाचा काही असो, परंतु टिकाराम खोडे यांच्या भावाची पत्नी काल रविवारला शेतामध्ये निंदायला गेली असता पुढच्या पार्टीने बारगावचे लोक बोलावून तिच्यावर विड्याने मारहाण करून तिला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला। आणि एका महिलेला जर बारगावचे लोक येऊन मारत असतील तर ते आम्ही तुपटाकलीकर कधीही सहन करणार नाही। याची योग्य कारवाई करण्यासंदर्भात आम्ही ठाणेदार साहेबाला निवेदन दिलं आणि आता तहसीलदार साहेबांना निवेदन दिलं। याच्यावर जर कारवाई झाली नाही तर यापुढे तीव्र आंदोलन आम्ही सर्व तुपटाकलीकर करणार आहोत। त्याच्या न्यायालयीन प्रकरणाचा आमचा संबंध नाही आहे, परंतु महिलेला जर मारहाण करत असल आमच्या हातात काही बांगड्या भरलेल्या नाही। 3 जुलाई को गोंदिया के पुरी गांधीधाम एक्सप्रेस में एक बैग लावारिस हालत में मिली, जिसमें कुल 5.540 किलो का गांजा पुलिस की जांच में मिला है, जिसकी कीमत कुल 55,540 रुपए है। पुलिस द्वारा पूरा मुद्देमाल जब्त कर लिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशन नार्कोस के तहत, जिसे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है, संभागीय सुरक्षा आयुक्त RPF नागपुर श्री पंकज चूक, सहायक सुरक्षा आयुक्त श्री SD देशपांडे के मार्गदर्शन में 3 जुलाई को रिसप पोस्ट गोंदिया के 10 एक्सकॉर्डिंग पार्टी सब इंस्पेक्टर CKP वाहन संस्था 22974 पूरी गांधीधाम एक्सप्रेस चेकिंग कोच नंबर D2 में एक ग्रे रंग का बैग लावारिस हालत में मिला। उसमें गांजा पुलिस को मिला है, जिसका कुल वजन 5.540 किलो है, कीमत 55,540 रुपए। इस पर कानूनी ओर से उचित कार्रवाई GRP गोंदिया को सौंप दी गई है। इस पर मामला दर्ज किया गया है। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कल नागपुर पहुंच रहे हैं। शहर में सभी जगहों पर बधाई के होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसके अलावा कार्यकर्ताओं द्वारा चौराहे पर गुलाल और फूल बरसाने की विशेष व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने वाले देवेंद्र फडणवीस का कल हजारों नागरिकों द्वारा स्वागत किया जाएगा और एयरपोर्ट से फडणवीस के आवास तक स्कूटर रैली भी होगी। वहाँ देवेंद्र जी घेण्याकरता लाखों लोक ये जाणार आहे आणि फक्त लोक तिथे जातील हेच आमची तयारी आहे। अशी आम्ही खूप सजावट केलेली नाही,
पण देवेंद्रजींना या शहरातले लोक खूप प्यार करतात, चाहतात त्यांना, याकरता मोठ्या संख्येत एअरपोर्टवर लोक त्यांना घ्यायला येणार आहे आणि त्यांच्यासोबत आम्ही पण त्यांना लोकांना त्यांना घ्यायला येणार आहे. आणि त्या रस्त्याला ट्रॅफिक जाम होऊ नये, जनतेला सांभाळून एवढी जबाबदारी भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्याकडे राहणार आहे. आणि एक सांगतो, सजा दो शहर को गुलशन की तरह, हमारे सरकार आने वाले हैं. देवेंद्र जी एक या देशातले या शहरातले सुपुत्र आहे, नागपूर शहराचे सुपुत्र आहे आणि त्यांचं स्वागत या शहरातली जनता खूप जोर शोरनी करणार आहे. आता कसं आहे, देवेंद्रजी उपमुख्यमंत्री होऊन पहिल्यांदा नागपुरात येणार आहे तर विदर्भाची जनता येऊ शकते. आता कोणाला कोणी अडवणार नाही, सर्वांना ज्यांना ज्यांनी यायचे आहे ते येतीलच. जसं तुम्ही बघितलं होतं, देवेंद्रजी जेव्हा मुख्यमंत्री होऊन नागपुरात आले, भूतो न भविष्य, कोणत्याच नेत्यासाठी एवढी गर्दी रस्त्यावर कधीच झाली नाही. त्याचप्रकारे मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही तीच स्थिती होणार आहे. रस्त्यावर लोक सांभाळणारी एवढी जनता नागपूरची किंवा विदर्भाची या ठिकाणी उपस्थित होणार आहे. उद्या बाईक रॅली पण निघणार आहे युवासेनेकडून, युवा भारतीय जनता युवा मोर्चाकडून, आणि 22 ठिकाणी त्यांचं स्वागत होणार आहे. याचा संदर्भ काय सांगा? पहा, देवेंद्रजी निघतील तर देवेंद्रजीच्या मतदारसंघातच ते आहेत, तर देवेंद्रजींच्या मतदारसंघात असल्यामुळे देवेंद्रजीवर कार्यकर्त्यांचं प्रेम आहे, कार्यकर्त्यांचं त्यांच्यावर प्रेम आहे. जनत्या त्या मतदारसंघात, या मतदारसंघात देवेंद्रजी 5वा निवडून आलेले आहेत तर ते लोकप्रिय आहेत, तर त्यांचे स्वागत जिथे म्हणतील 22 का 50 ठिकाणी होऊ शकतो अशी स्थिती आहे. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. स्वागत है. 2 जुलाई 2022 रात 8 बजे चिटनवी सेंटर सिविल लाइंस नागपुर में IIDS फैशन रनवे 2022 का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अभिनेत्री जोया अफरोज, जो अभिनेत्री मिस इंडिया इंटरनेशनल है, और प्रशांत पंचालवार, जो IIDS के संस्थापक है, ये उपस्थित थे. इस फैशन शो में कई सारे दीवाओं ने भाग लिया. बहुत अच्छा लगा. नागपुर के लोग एक तो बहुत बहुत प्यारे हैं, मैं पहले भी आ चुकी हूँ नागपुर, सो आज इस बार आके बहुत अच्छा लगा. एक तो यहाँ जब भी आती हूँ सबसे मिलके मुझे बहुत खुशी होती है. अभी हम इवेंट शुरू करने वाले हैं, उसके पहले ही हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट ऑफ IIDS एंड आई विश प्रशांत जी ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फर्दर शोज, एंड आई होप एंड प्रे के सारे शोज बहुत सक्सेसफुल हों एंड बहुत अच्छे जाएँ. अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए, वर्कआउट करिए, ढेर सारा पानी पीजिए,
एंड खुश रहिए उसके बारे में. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इंडिया का सैश यू नो पहनकर मैं जब इंटरनेशनल स्टेज पर खड़ी होंगी तो आई थिंक दैट विल बी द प्राउडेस्ट मोमेंट. इंडिया को रिप्रेजेंट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो मैं चाहूँगी कि अपने कल्चर की जो बेस्ट चीज़ें हैं और बेस्ट वे में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ. एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा यू नो जब बहुत सारे बच्चों में यू नो दे आर ऑल वेरी टैलेंटेड बट जब पेरेंट्स उसको यू नो एक रास्ता देते हैं तो उनको मौका मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ले सकें सीख सकें अपनी जर्नी में. सो आई थिंक मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली एंड डेफिनेटली मुझे इस जर्नी में बहुत बहुत सीखने को मिला और बहुत मज़ा भी आया. अकेडमी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे रहा है आज और आज ही नहीं IIDS एज एन इंस्टीट्यूट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है सारी स्टूडेंट्स को टू लर्न एंड टू ग्रो एंड एजुकेशन इज समथिंग दैट वी ऑल मस्ट सपोर्ट एंड सिर्फ एजुकेशन ही नहीं अपनी स्किल्स और टैलेंट्स को भी बढ़ाना दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. 18वें वर्षीय डॉक्टर ज्ञानेश्री महाथेरो के ड्रैगन पैलेस टेम्पल में आगमन पर उपासक उपासिकाओं द्वारा फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया गया. भंते डॉक्टर ज्ञानेश्री महाथेरो ने ड्रैगन पैलेस टेम्पल स्थित तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने वंदना की. कामठी के ड्रैगन पैलेस को डॉक्टर ज्ञानेश्री महाथेरो ने सदिच्छा भेंट दी. इस वक्त भंते बोधिमित्र महास्थवीर भंते खेमासारा महाथेरो भंते ज्योति भंते मेथानंद आदि भिक्षु संघ उपस्थित थे. ड्रैगन पैलेस टेम्पल की प्रमुख सुलेखा कुंभारे ने भंते डॉक्टर ज्ञानेश्री महाथेरो व भिक्षु संघ का पुष्पगुच्छ व चीवर दान देकर स्वागत किया. पश्चात प्रमुख भिक्षु संघ की उपस्थिति में त्रिशरण पंचशील लिया गया. भारत में तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्त व निर्वाणस्थ हुए इसलिए भारत बुद्ध भूमि होकर सबके लिए पवित्र स्थान है. कई बार भारत आए पहली बार महाराष्ट्र में आने के बाद शनिवार को दीक्षा भूमि और रविवार को ड्रैगन पैलेस टेम्पल में भेंट देने का मौका मिला. ड्रैगन पैलेस टेम्पल ये शांति मैत्री व मानव कल्याणकारी विचार का प्रतीक होने का विचार भंते डॉक्टर ज्ञानेश्री महाथेरो ने व्यक्त किया. इस अवसर बड़ी संख्या में उपासक उपासिकाएं उपस्थित थे. कामठी येथील विश्वविख्यात ड्रैगन पैलेस टेम्पल मध्ये बांग्लादेश चे पूज्य भंतेजी डॉक्टर ज्ञानेश्वर महाथेरो हे या ठिकाणी उपस्थित झाले आणि धम्म देशना दिलेली आहे. मला असं वाटते की आज परत विश्वविख्यात ड्रैगन पैलेस हे पावन झालेला आहे. 98 वर्षाचे पूज्य भंतेजी हे 13वे संघराजा असून बांग्लादेशमध्ये यांचं खूप मोठं असं विहार आहे आणि त्या विहारामध्ये लाखोच्या संख्येने बौद्ध बांधव जगातून येत असतात. त्यामुळे आज या ठिकाणी त्यांनी धम्मदेशना दिली आणि मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी उपासक उपासिकांनी त्याचा लाभ घेतलेला आहे आणि भंतेजींच्या आशीर्वादाने ड्रॅगन पॅलेस परत विश्वविख्यातमध्ये फक्त प्रसिद्धच होणार नाही पण शांती मैत्री व मानव कल्याणकारी विचाराचं केंद्र म्हणून हे जग प्रसिद्ध होईल असा माझा विश्वास आहे. VKB न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट. नागपुर कामगार नगर चौक से दीपक नगर मुख्य मार्ग के रूप में टायर चौक से बाबा बालकनाथ मंदिर तक के इलाके के रास्ते की समस्या के चलते पिछले 15 साल से इस इलाके के लोग और परिवहन करने वाले लोग काफी परेशान हैं. रास्ते की समस्या को लेकर लोगों ने कई बार नगर निगम और इलाके के नगर सेविका को निवेदन पत्र लिखा है. नागपुर में रास्ते की समस्या के चलते लोग काफी परेशान हैं. वैसे ही कामगार नगर चौक से दीपक नगर मुख्य मार्ग के रूप में टायर चौक से बाबा बालकनाथ मंदिर से रिंग रोड तक मुनानक कर्मगिरी कॉलेज से दीपक नगर चौक से कुहावर बाजार तक एक बधिर स्कूल के लिए WC2 रोड कबीर नगर चौक तेगिया कॉलोनी गुरु नानक का पिछला हिस्सा कॉलेज टायर वाला चौक दीक्षित नगर कॉलोनी चौक से मानस मंदिर चौक से मयूर नगर बाबा दीप सिंह नगर कंपनी चौक रोड त्रिभुवन हाउसिंग सोसाइटी KGNS सम्राट अशोक कॉलोनी नीलगिरी परिमेर बाबा बालकनाथ मंदिर दलित नंबर 12 भाई कॉलोनी दीपक नगर एल समर्थ नगर मयूर नगर कामगार नगर राजगृह नगर इन इलाकों के रास्ते को लेकर पिछले 15 सालों से स्कूल के बच्चे इलाके के लोग परिवहन करने वाले लोग काफी परेशान है. इस समस्या की वजह से लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ रहा है. लोगों ने रास्ते की समस्या के चलते नगर निगम नगर सेविका और कई सारे मंत्रियों को निवेदन किया है पर पिछले 15 साल से इस इलाके की हालत आज भी वैसे की वैसे ही है. इस मामले में किसी ने भी कोई काम नहीं किया है. बारिश में इन इलाकों में कई सारे रोड हादसे की घटनाएं सामने आती है. लोगों ने सरकार से भी इस मामले में गुजारिश की है. नमस्कार, सबसे पहले तो मैं मेरे पीड़ित जनता की ओर से आपका शुक्रगुजार हूँ
जो कि सच्चा पत्रकार ये पानी हवा धुन और कुछ भी रहेगा तो भी आते रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 15 साल से पीड़ित जनता है इधर की, दीपक नगर से लेकर तिघिया कॉलोनी, बाबा बालकनाथ मंदिर से लेकर सम्राट अशोक नगर, स्कूल के बच्चे से लेकर तो काम करने वाले लोग यहाँ से जाते आते रहते हैं। पिछली 15 साल से आमदार नितिन राउत से लेकर नितिन गडकरी साहब तक के पत्र व्यवहार हुआ और शासन प्रशासन NIT और कॉरपोरेशन इनको भी दिया गया है, पत्र व्यवहार हुआ है। ये NIT के कंट्रोल में ये एरिया आता है और हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता को पकड़ के हाईकोर्ट में लिटिगेशन डाली थी तो वह पिछले महीने में वो खारिज हो गई थी कि भाई ये रोड किसके है ये आप बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम आपकी ये याचिका जो है वो खारिज कर रहे हैं और आपको फिर से जिन लोगों की ये रोड है, जिस डिपार्टमेंट के ये रोड है, ये रोडों के ऊपर में उनके अख्तियार में जो आती है उनको फिर से एक अपील की जाए करके न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने हमको दिशा निर्देश दिया है। तो हमने अभी वही दिशा निर्देश को देखते हुए उसकी जेरोस कॉपी माननीय नितिन गडकरी साहब, नितिन राउत और NID के सभापति और महानगर पालिका के आयुक्त और जिला कलेक्टर को उसके निवेदन की कॉपी दे दी है। पिछले कुछ दिनों में यह रोड की मेजरमेंट लेके गए हैं, अब क्या करते नहीं मालूम। हम तो कोशिश ही कर रहा है कि ये काम होना चाहिए और कल की बात बता रहा हूँ, लेटेस्ट है, कल एक भाई गर्भवती थी, वो टेम्पो से जा रही थी दवाखाने में, लेकिन वो टेम्पो के गड्ढों के कारण वो टेम्पो में अपनी बच्चों को जन्म दी। ये आपको बताते हैं और सवेरे से शाम तक के कितने लोग गिरते रहते हैं यहाँ से और कई जख्मी होते रहते हैं, यहाँ से लेके जाने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। मैं आपको इतना बड़ा मंच बता सकता हूँ, गिनती के हिसाब से मेरे पास में कम से कम 25-30 कंप्लेंट होंगी, उसके जवाब भी नहीं देते लोग। तो क्या हम लोगों ने इनको ऐसे ही चुन के दिए क्या, क्या हमारे ऊपर में इतनी कौन सी नाराजगी है? इन लोगों ने ये काम करना चाहिए, शासन प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, मैं ऐसी विनंती कर सकता हूँ। नमस्कार, मैं भागवत यादव दीपक नगर में रहता हूँ और यहाँ की 25 बार हम कंप्लेंट दे चुके हैं, कारपोटरों को दे चुके हैं, सबको दे चुके हैं। कारपोटर बोलते हमारे हाथ में नहीं है, आमदार खासदार बोलते हमारे हाथ में नहीं है। ये रोड के ये इतनी बुरी पोजीशन है कि एक एक फिट के गड्ढे पड़े हुए हैं मेन रोड के ऊपर, रोड दिनों रात चलता है, चोरियाँ चमारी इतनी बढ़ चुकी है, पुलिस की गाड़ियाँ भी आती तो चोरों को पकड़ नहीं पाती हैं। इसलिए प्रशासन से हमारा कहना है कि रोड का जरा जल्दी से जल्दी काम किया जाए और धूप काले में देखो तो मिट्टी इतनी उड़ती है कि घरों के अंदर मिट्टी जाती है, बरसात में क्या बोलते हैं कीचड़ उड़ता है लोगों पे। हमारा मस्याला गुरुद्वारा है, बहुत फेमस है, यहाँ संगत आती है तो लोगों पे कीचड़ उड़ता है, कीचड़ उड़ने से मोटरसाइकिलें जाती, कारें जाती, स्पीड से भगाते लोग, कीचड़ उड़ के जाता है और अगर किसी को बोले तो उससे झगड़े होते हैं। इसलिए प्रशासन से हमारी यही विनती है कि हमारे रोड का जल्दी से जल्दी काम किया जाए। तन मौर्य है, पिछले 2.5 साल से जो यहाँ सरकार थी वो तो हमारी सुनी नहीं, अभी जो सरकार आई है चुनकर हम इनसे उम्मीद करते हैं कम से कम हमारी बातों की सुनवाई और हमारी मांगें पूरी की जाए। और ये रोड की जो हालत है इसे देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ और बताने की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी वीडियो मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो दिखा दें, खुद ही अपने आप समझ में आएगा वो देखने के बाद कि मतलब रोड की क्या परिस्थिति है। और बाकी तो भाई साहब ने सबने बताया है कि यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ ऐसा हादसा होते ही रहता है, कोई गिरते रहता है और हम लोग सब उसको सहयोग करते रहते उठाने के लिए। मेन तो यही रोड का ही है, रोड है, लाइट है और चोरियां तो वैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और ये यहाँ कबाड़ी वगैरह है सब, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, रात भर चोरियां होती है। यहाँ से तो 2-3 बार कंप्लेंट होगी, हम लोगों ने खुद पकड़ के चोरों को पुलिस स्टेशन में दिया है, यहाँ पे बुला के उनको पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ से मतलब चोरों के पीछे अगर गई, हम लोग भी कभी कई बार उनको दौड़े उनके पीछे, लेकिन रोड की परिस्थिति की वजह से हम लोग उनको पकड़ नहीं पाते, बहुत स्पीडली वो लोग इधर उधर से कट मार के निकल जाते हैं। और ये जो है हाल आप देखिए, बिल्कुल एक बार घुमाइए, देखिए गाड़ी निकल रही है, क्या परिस्थिति है यहाँ पे। VKB न्यूज के लिए रोशन बोकरे के साथ लीना कटरे की रिपोर्ट। सांगनेर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले खदान क्षेत्र में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM पुलिस गश्ती दल के सतर्कता से लूटने से बचा। पुलिस को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर उन्होंने इस ATM को लूटने से बचाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सांगनेर पुलिस के रात्रकालीन गश्ती दल को देर रात सूचना प्राप्त हुई कि सांगनेर थाना अंतर्गत कोई अज्ञात चोर ATM तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त होते ही गश्ती दल हरकत में आकर शहर में लगे सभी ATM को तलाशने लगा।
ऐसे में फिर सूचना मिली कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को टारगेट किया जा रहा है, तो तुरंत ही गश्ती दल शहर में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सावनेर शहर में स्थित दोनों एटीएम की जांच कर वेकोली परिसर में स्थित तीसरे एटीएम पर पहुंचते ही एटीएम तोड़ने की कोशिश कर रहे अज्ञात चोर अंधेरा तथा बारिश का लाभ उठाकर एटीएम से सटे घनी झाड़ियों में भाग निकलने में सफल हुआ। गश्ती दल के पुलिस कर्मियों ने उक्त घटना की सूचना सावनेर पुलिस स्टेशन के थानेदार मारुति मुरुक को दी। जानकारी मिलते ही वो भी अपने दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर चोर की तलाश तथा आगे की जांच कार्य में जुट गए। एटीएम चोरी करने आए चोर की सारी हरकतें एटीएम में लगे सुरक्षा कैमरे में कैद होने से पता चला कि उक्त घटना में एटीएम चोरी हेतु अकेला ही एटीएम फोड़ने के औजारों के साथ पहुंचा था तथा पुलिस गश्ती दल के पहुंचते ही भाग गया। घटनास्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज तथा औजारों के फिंगरप्रिंट्स के आधार पर उक्त एटीएम चोर की वारदात की खोजबीन के कार्य में सावनेर पुलिस जुटी हुई है। वही घटना की गंभीरता देख डॉग स्क्वाड तथा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आदि की मदद लिए जाने के बाद थानेदार मारुति मुरुक ने दी। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।